आगरा कैंट आरपीएफ और जीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2.5 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम से दिल्ली ले जा रहे थे गांजा। तस्करी का एक आरोपी ललित शर्मा आगरा के सदर न्यू मधु नगर का है रहने वाला, जबकि मोहित अमरोहा और गुड्डू मुरादाबाद का है निवासी। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 24 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई देवेंद्र सोलंकी, आरपीएफ फतेहपुर सिकरी डॉक्टर प्रमोद कुमार, अजय सिंह आरपीएफ आगरा कैंट, जीआरपीएफ एसआई सुरेंद्र सिंह और मनोज कुमार यादव आदि शामिल रहे। गांजे के संबंध में शपथ कर रहा हूँ कि 3 अभियुक्त पकड़े गए आज एपी एक्सप्रेस के समय। ये एपी एक्सप्रेस से उतरे थे, चेकिंग के दौरान हमारी सर्वब्रांच की टीम थी, जीआरपी की टीम थी, आरपीएफ की टीम थी, तीनों का संयुक्त ऑपरेशन था। तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं। एपी एक्सप्रेस से ये विशाखापट्टनम से बैठे थे, कैंट में चेकिंग के दौरान पकड़े गए। कितनी बरामद की सर गांजे के पास? करीब 24 किलो बरामद हुआ है इनके पास गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख कीमत। कहाँ ले जा रहे थे सर ये? लेके निजामुद्दीन दिल्ली लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी चेकिंग होती है, तो उन्होंने सोचा कि कैंट पे उतर लें, यहाँ से हम बाई रोड जाएंगे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। कितनी